फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर मोशन है फिजिक्स का क्लास 9 में, आज हम उसको एक क्विक रिवीजन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक जो आप लोग इसमें स्टडी करते हैं, दैट इज डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया उसकी जो लेंथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। सपोज ये बॉडी इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पॉइंट से शुरू करती है और फाइनल पॉइंट बी पॉइंट तक पहुंचती है। अगर इसने ये 5 मीटर है, ये सपोज 3 मीटर है, फिर 5 मीटर है, फिर सपोज 4 मीटर है, ठीक है, अगेन इट इज 4 मीटर, सपोज इट इज 2 मीटर, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो इन सब का सम टोटल होगा। मीन्स 5 + 3 + 8 + 5 = 13 + 4 = 17 + 4 = 21 + 2 = 23 meters इसका एक्चुअल डिस्टेंस ये बॉडी ट्रेवल करती है। अब बात आती है एक दूसरी टर्म की, दैट सेकंड टर्म इट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होती है बेटे, वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर ए और बी के बीच में अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हो, तो सपोज ये 15 meters है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर होगी सभी को शायद। अनदर डिफरेंस इज जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी मीन्स इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है कि आपने कितनी लेंथ ट्रेवल की है, लेकिन उसमें आपको डायरेक्शन नहीं बताते कि ईस्ट में चले, वेस्ट में चले, नॉर्थ में, साउथ में, अपवर्ड डाउनवर्ड कहाँ चले, आपको डायरेक्शन नहीं बताई आपने। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटे, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी मेंशनड है और डायरेक्शन भी मेंशनड है। स्टूडेंट्स, एक चीज और यहाँ पर नोट करने लायक है। सपोज एक बॉडी यहाँ एक पॉइंट ए पॉइंट से चली, इट गोज टू पॉइंट बी, देन इट गोज टू पॉइंट सी, देन इट गोज टू पॉइंट डी एंड फाइनली कम बैक टू पॉइंट ए। और अगर ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दैट इज इक्वल टू 8 meters। लेकिन यहीं पर जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अब ये बॉडी ए पॉइंट से ही चली थी और घूम फिर के वापस ए पे ही आ गई, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गए, तो इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0 meters। मतलब ये भी पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो। जो नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग स्पीड एंड वेलोसिटी। जो स्पीड होता है बेटे, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। मतलब वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा। आप इससे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट ट्रेवल कर रहा है, कितना स्लो ट्रेवल कर रहा है, वो निकाल सकते हो। स्पीड के अंदर एज डिस्टेंस मेंशनड है, तो ये भी स्पीड भी क्या हुआ, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन आपको नहीं पता है। अब स्पीड की यूनिट क्या होगी, स्पीड की जो SI यूनिट होती है बेटे, दैट इज डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। सो द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। तो दूसरी बात आती है बेटे यहां पर, वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होता है बेटे, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया और उस डिस्प्लेसमेंट के लिए उसने कितना टाइम कवर किया। एज सच डिस्प्लेसमेंट भी तो टोटल क्या होता है, लेंथ मेजर, लेंथ की टर्म्स में मेजर करते हैं, दैट इज अगेन मीटर पर सेकेंड। फिर दोनों में डिफरेंस क्या आता है, स्पीड जो होती है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और जो वेलोसिटी जो होती है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। अब ये पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी 0 हो। सपोज हम बात करते हैं, ये एक रेक्टेंगल है, ए पॉइंट से बॉडी ने मूव करना शुरू किया और ये मूव करते करते और वापस फिर से इसी पॉइंट पर आ गई। ठीक है, तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इसको कुछ टाइम लगा। सपोज इसकी लेंथ है 2 meters और ब्रेथ है 1 meter, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 1 + 2 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6 meters डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम इसको लगा सपोज 2 seconds।
तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। लेकिन वहीं पर क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो वेलोसिटी क्या आएगी इसकी, बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो वेलोसिटी यहां पर आ गई इसकी 0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड। अभी दो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। वन इज कॉल्ड एज ऑडोमीटर। ऑडोमीटर बेटे एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है, किस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्लियर। और दूसरा मीटर होता है बेटे स्पीडोमीटर, ये कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट ट्रेवल कर रही है, यानी कि स्पीड को मेजर करता है ये। ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वर्ड हम यूज करते हैं जहां कोई बॉडी वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी उस ऑब्जेक्ट की और फाइनल वेलोसिटी कुछ और है उस ऑब्जेक्ट की, वहां पर हम ये एक्सेलरेशन वर्ड यूज करते हैं। मींस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम टेकन फॉर द चेंज। अगर सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यू और वो टी सेकेंड्स का टाइम लेता है, ठीक है, टाइम कितना लिया उसने, टी सेकेंड्स, और टी सेकेंड्स के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी। मतलब यहां पर आपको तीन टर्म्स याद रखने, यू रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, वी रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी एंड टी रिप्रेजेंट्स टाइम। तो ये अब इसकी एक्सेलरेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब बेटे इसकी आती है बात एसआई यूनिट्स की, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट्स क्या होंगी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हुई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या आप इसको और कैसे लिख सकते हो, एम एस माइनस टू, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल की हेल्प से अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज देयर इज अ कार एंड दिस कार इज एट रेस्ट, जब भी कोई बॉडी एट रेस्ट होती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, आपने 10 सेकेंड के बाद जब उस कार को देखा, ठीक है, तो उस कार की जो फाइनल वेलोसिटी थी, वेलोसिटी बढ़कर हो गई उस कार की सपोज 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा यहां पर, 10 सेकेंड्स। क्लियर, मतलब आपने जब कार को शुरू में देखा तो 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, जब आपने उसको 10 सेकेंड्स के बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ के होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो आप एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हो, वी माइनस यू अपॉन टी, मीन्स 20 माइनस 0 अपॉन 10। क्लियर, इट विल कम आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी कभी एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यू में आती है तो उसको हम बोलते हैं बेटे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर, मतलब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जैसे ये पर्टिकुलर केस है। दूसरा केस इसका अपोजिट हो सकता है, देयर इज सेकेंड कार दैट यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, जब आपने उस कार को इनिशियली देखा तो इट वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। आप खड़े थे एक जगह, आपने कार को देखा, आपके सामने से वो कार 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। 5 सेकेंड के बाद आपने उसको देखा, यानी कि टाइम कितना लगा आपको, 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद जब आपने उसको देखा तो ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किए एंड द कार कम टू ए स्टॉप, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर्टिकुलर केस में जो एक्सेलरेशन आएगी दैट विल बी वी माइनस यू अपॉन टी, मीन्स 0 माइनस 60 अपॉन 5। क्लियर, -60/5 दैट विल बी -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे जो केसेस होते हैं जिसमें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है उसको हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसमें टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती चली जाती है।